हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूं आपके लिए एक और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लेके गाइस। और आज मैं लेके आया हूं डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री बॉक्स और एक है गाइस हमारे पास प्रिंसेस का पार्टी बॉक्स दोस्तों, और एक है गाइस हमारे पास छोटा भीम की काफी जबरदस्त वॉच। गाइस बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना दोस्तों, फिर मुझे कमेंट करके बताना इन सारी ज्योमेट्री बॉक्स में और ये प्रिंसेस का पार्टी बॉक्स कैसा लगा। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच फैमिली तरफ से। और दोस्तों आप जब भी कमेंट करते हो ना, कमेंट करने के बाद दोस्तों ब्रैकेट में अपना नाम जरूर लिख देना दोस्तों, ताकि मुझे आपका नाम याद हो जाए। तो चलो फटाफट आज का कलेक्शन दिखाता हूं दोस्तों। और आज है गाइस सबसे पहले है गाइस हमारे पास एक पुसी कैट की ज्योमेट्री बॉक्स, ये काफी जबरदस्त है, 200 पीस की परचेज करी है। और इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें चार बटन मिलते हैं, चारों बटन का यूज देखेंगे कैसे। और सबसे पहले तो देखो दोस्तों, इसके ऊपर एक स्टिकर मिल जाता है जिसमें गाइस हम अपना नाम और क्लास लिख सकते हैं दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है इस पुसी कैट ज्योमेट्री बॉक्स में हमें एक कैलेंडर भी मिल जाता है दोस्तों, काफी सुंदर है दोस्तों। चलो फटाफट ढक्कन ओपन करके दिखाते हैं इसमें कितना स्पेस है और कितना स्टडी मटेरियल आ जाएगा। तो ढक्कन ओपन करते ही कुछ इस तरह इंटरफेस दिखता है, और इसमें गाइस हमें एक पॉकेट मिलता है जिसमें गाइस हम अपना क्लास शेड्यूल लिख सकते हैं दोस्तों। और देख सकते हो कंपार्टमेंट काफी जबरदस्त है, स्पेस काफी जबरदस्त है। और इसमें देखो दोस्तों हमें दो दो पेंसिल लॉक मिल जाता है, जिससे हमारी पेंसिल काफी अच्छे से लॉक हो जाएगी, काफी अच्छा कंपार्टमेंट मिल जाता है दोस्तों। ढक्कन ओपन करने के बाद दोस्तों, चलो ढक्कन बंद करते हैं दोस्तों, फटाफट इन चारों बटन का यूज देखते हैं। पहले बटन को दबाया तो ये देखो दोस्तों, पहले बटन को दबाने से ये शार्पनर ऊपर आ गया। सेकंड बटन को दबाते ये देखो दोस्तों, जिसपे गाइस क्लास और नेम का स्टिकर लगा है वो वाला कंपार्टमेंट यानी ढक्कन ओपन हो जाता है, नीचे कंपार्टमेंट मिल जाता है दोस्तों, काफी जबरदस्त है। तीसरे बटन को दबाते कुछ भी नहीं हो रहा दोस्तों, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, ढक्कन ओपन करना पड़ेगा जब जाके दोस्तों हमारा तीसरा बटन वर्क करेगा। तो तीसरे बटन के लिए दोस्तों ये देखो दोस्तों, तीसरा बटन दबाते ही गाइस हमारा कंपार्टमेंट हो गया बिल्कुल एक ब्रिज लुक की तरह दोस्तों, देख सकते हो काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग। और इसके नीचे भी दोस्तों हम अपने स्टडी मटेरियल रख सकते हैं हाइड करके दोस्तों, काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है। चलो चौथे बटन को दबाते हैं, चौथे बटन को दबाने के बाद ये देखो दोस्तों, चौथे बटन को दबाने के बाद हमें एक छोटा सा कंपार्टमेंट निकलता है जिसमें गाइस हम अपनी इरेजर या कुछ भी चीजें रख सकते हैं दोस्तों, ये काफी जबरदस्त है। और आपको ये पुसी कैट की ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब बैक साइड के ढक्कन को ओपन करता हूं, बैक साइड के ढक्कन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है पीछे का गाइस, और काफी अच्छा स्पेस है, और इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। तो चलो इसे रखते हैं साइड में, अब ओपन करते हैं गाइस हम प्रिंसेस का पार्टी सेट दोस्तों, काफी अमेजिंग है। और इस सेट में ना गाइस हमें 78 आइटम मिलते हैं, और क्या क्या चीजें मिलती है चलो फटाफट दिखाता हूँ। और इसके प्राइस की बात करें तो इसे मैंने 1099 रुपीज का परचेज किया। तो ये देखो दोस्तों हमें इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आइटम मिलेंगे दोस्तों, आप देख सकते हो। इसमें बर्थडे का दोस्तों बैकड्रॉप 2x3 फिट का मिलेगा दोस्तों, और मिलेंगे इसके अंदर 8 पीसेस के सिरल्स मिलेंगे 8 पीसेस का, और ये देखो कुछ इस तरह के होंगे गाइज, काफी अमेजिंग। और इसमें गाइज मिलते हैं हमें 42 स्टैंडर्ड बैलून, ओहो काफी अमेजिंग। और गाइस हमें मिलते हैं 2 फॉइल बैलून भी मिलेंगे दोस्तों, जिसके ऊपर प्रिंसेस की फोटो छपी होगी। और गाइस इसके अंदर गाइस मिलेंगे हमें प्रिंटेड बैलून भी मिलेंगे, और इसके अंदर एक कटआउट कैंडल भी मिलेगा दोस्तों बिल्कुल फ्री में। और ये देखो दोस्तों हम इसके अंदर गाइस मिलेंगे 20 स्टिकर। फटाफट ओपन करता हूं, पन्नी फाड़ता हूं, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये पार्टी बॉक्स कैसा लगा दोस्तों। तो चलो इसे फाड़ लेते, पन्नी को, पन्नी की पैकिंग काफी जबरदस्त है, तो ये पन्नी चिपकी है चारों तरफ। और ये देखो फाड़ लेते, ये देखो ओहो पन्नी फाड़ने में काफी मजा आ रहा है यार, ये देखो पन्नी फाड़ लिया। और ये देखो दोस्तों बॉक्स का लुक कितना जबरदस्त है, फ्रंट में काफी अच्छी फोटो छपी है, यानी पार्टी की जितनी भी चीजें है वो सारी फोटो छपी है। चलो ओपन करके देखते हैं इसमें हमें क्या मिलता है। तो ओपन करते ही ओ वाओ काफी अमेजिंग, काफी जबरदस्त। सबसे पहले तो ये देखो दोस्तों हमें इसके अंदर मिलता है एक दोस्तों कैंडल, ये देखो दोस्तों काफी जबरदस्त और काफी प्यारा। चलो एक बार निकाल के दिखाता हूँ, तो निकलेगा नहीं दोस्तों ये कैंडल, देख सकते हो काफी जबरदस्त। ये कौन सा कैंडल है दोस्तों, ये है कट आउट दोस्तों कैंडल दोस्तों, काफी जबरदस्त, और वो भी प्रिंसेस का दोस्तों, काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग। और क्या मिलता है इसके अंदर, ओहो वाह यार बैलून मिल गए, और इन बैलून के ऊपर तो प्रिंसेस की फोटो भी छपी है। चलो निकालता हूँ और आपको बैलून दिखाता हूँ, बैलून के साइज भी देखते हैं दोस्तों कैसे हैं। तो ये देखो दोस्तों ओहो वाह, देखो कितने बड़े बड़े बैलून है दोस्तों, और इनके ऊपर दोस्तों फिलहाल तो कोई प्रिंसेस की फोटो नहीं छपी दोस्तों, और देखते हैं किस पे छपी है, इस पे भी नहीं छपी, ब्लू पे भी नहीं छपी, प्रिंसेस की फोटो किस पे छपी है दोस्तों, ओह किस पे है गाइस समझ में नहीं आया, प्रिंसेस तो दिख रही थी मुझे तो इसमें, हाँ हाँ दिखी दिखी दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों प्रिंसेस की फोटो छपी हमारे बैलून के ऊपर दोस्तों, काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग। तो काफी सारे बैलून मिल गए दोस्तों इसके अंदर, चलो बैलून को रखते हैं साइड में। और क्या मिलते हैं इसके अंदर, इसके अंदर गाइस हमें मिलते हैं स्टिकर, ये देखो दोस्तों हमें प्रिंसेस के स्टिकर्स मिल जाते हैं, और टोटल 20 स्टिकर मिलते हैं, ये देखो दोस्तों
काफी जबरदस्त है और काफी अमेजिंग। आपको एक स्टिकर हटा के दिखाता हूँ, तो ये देखो दोस्तों ये स्टिकर है और इसे हटाएंगे काफी इजीली से हटा लेंगे दोस्तों। ये देखो दोस्तों काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग 20 स्टिकर मिल गए दोस्तों। और क्या मिलते हैं इसके अंदर, तो ये देखो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ओ वाओ ये देखो ये है दोस्तों। इसके अंदर क्या मिले हमें, अंदर तो मिले हैं गाइस हमें फॉइल बैलून, कुछ इस तरह के फॉइल बैलून है दोस्तों इसके अंदर। चलो आपको फाड़ के दिखाता हूँ और फॉइल बैलून दिखाता हूँ दोस्तों कैसे हैं ये। चलो फाड़ लिया और फॉइल बैलून दिखाता हूँ दोस्तों आपको, तो निकाल लेते हैं। और ये देखो दोस्तों ओह वाओ काफी जबरदस्त, और दो दो बैलून है और देखो कितने बड़े बैलून है यार, वाओ काफी जबरदस्त। और इसके ऊपर देखो दोस्तों प्रिंसेस की फोटो भी छपी है दोस्तों, काफी जबरदस्त दो बैलून मिल जाते हैं दोस्तों, काफी गजब काफी सुंदर यार, मजा ही आ गया दोस्तों। मेरा तो बर्थडे मनाने का मन कर रहा है, मैं तो लड़का हूँ मैं तो मना नहीं सकता, क्योंकि ये सारी प्रिंसेस की चीजें, प्रिंसेस की चीजें तो लड़कियों में यूज होती है, तो मैं अपनी बहन का बर्थडे मना दूंगा आज नहीं न्यू ईयर के दिन गाइज, मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर दूंगा अपने आप ही, ऐसे हुआ तेरा बर्थडे और ये सारी चीजें डेकोरेट कर दूंगा। और ये देखो दोस्तों हमें ओह वाह काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग चीज मिल गई, और ये भी देखो दोस्तों रस्सियां मिल गई जिससे गाइज हम डेकोरेट करेंगे दोस्तों। ये देखो चलो निकालता हूँ दोस्तों और दिखाता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें, तो ये देखो दोस्तों निकाल लेते हैं पन्नी से और देखते हैं दोस्तों। ये देखो पहले तो देखो दोस्तों ये चीज़ है, और ये देखो ये काफ़ी अमेजिंग है, और इन्हें गाइज हम लटकाएंगे दोस्तों इसमें। देखो दोस्तों ये देखो दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी अमेजिंग देख सकते हो। और इसमें टोटल हमें कौन कौन से डिज़ाइन मिलते हैं, एक डिज़ाइन दो डिज़ाइन दोस्तों, ये तीन डिज़ाइन मिल गया ये देख सकते हो प्रिंसेस का। और देखते हैं चौथा डिज़ाइन, ये देखो दोस्तों ये देखो चार डिज़ाइन मिल जाते हैं दोस्तों काफ़ी अमेजिंग से। और गाइज हमें चार तो रस्सियाँ मिल जाती हैं दोस्तों, काफ़ी गजब है काफ़ी अमेजिंग दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या मिलता है, ये देखो दोस्तों ओह ये क्या है, ओह हमें मिल जाता है बैनर दोस्तों, यानी जो बैकग्राउंड में दोस्तों हम बैनर लगाएंगे वो बैनर मिल जाता है। चलो बैनर को भी निकाल के दिखाता हूँ दोस्तों आपको, ये बैनर कैसा है दोस्तों, ये 2 फुट और 3 फिट का है दोस्तों, यानी 2x3 फिट का दोस्तों हमें बैनर मिल जाता है। और बैनर को चिपकाने के लिए दोस्तों इसके अंदर टेप भी मिल जाते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त है। चलो बैनर हटाता हूँ और दिखाता हूँ बैनर, ये देखो दोस्तों वाओ काफी जबरदस्त यार, काफी अमेजिंग काफी बड़ा बैनर है। और इस बैनर पे देखो दोस्तों क्या लिखा है, वेलकम टू आवर बर्थडे दोस्तों, और ये सेलिब्रेशन लिखा है, काफी जबरदस्त है काफी अमेजिंग यार, काफी सुंदर दोस्तों हमें मिल जाता है बैनर काफी सुंदर सा। और गाइज हो गया बॉक्स खाली, और देख सकते हो और बैलून फुलाने के लिए दोस्तों हमें इसके अंदर काफी अच्छा सा दोस्तों एक मिल जाता है दोस्तों स्ट्रॉन्ग देख सकते हो। तो ये पार्टी बॉक्स आपको कैसा लगा, मुझे तो काफी जबरदस्त लगा, इसमें तो दोस्तों काफी अच्छी अच्छी चीजें मिली है जो मैंने सोची भी नहीं थी दोस्तों। आपको कैसा लगा पार्टी बॉक्स प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ दोस्तों, ये सारी चीजें साइड कर देते हैं, थोड़ा टेबल कर लेते हैं साफ, फिर दिखाता हूँ आपको आगे की चीज दोस्तों। चलो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ ये बेंटन की कैलकुलेटर का मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स, ये भी काफी जबरदस्त है काफी प्यारी है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है हमें इसमें कैलकुलेटर मिल जाता है, कैलकुलेटर की क्वालिटी देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त है, कितनी स्मूथली वर्क भी कर रही है दोस्तों। और फ्रंट में गाइस हमें 1 2 3 4 बटन मिल जाते हैं, और बेंटन की फोटो भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको इनका नाम पता हो तो दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। पहले बटन को दबाते हैं, ये देखो दोस्तों एक छोटा सा शार्पनर निकलता है बट कंटेनर काफी बड़ा मिलता है दोस्तों इसके अंदर। चलो सेकंड बटन दबाते हैं, सेकंड बटन को दबाने से ये देखो दोस्तों कितना बड़ा दोस्तों कंटेनर मिल जाता है सेकंड बटन को दबाने के बाद दोस्तों। चलो तीसरे बटन को दबाते हैं, तीसरे बटन को दबाते हैं देखो दोस्तों एक और कंपार्टमेंट निकला दोस्तों काफी अमेजिंग। चौथे बटन को दबाते हैं तो चौथे बटन को दबाने के बाद सेम कंपार्टमेंट निकलता है, और इनकी गहराई भी दोस्तों काफी अच्छी है, यानी इनके अंदर हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। अब ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है, और इसके अंदर गाइस हमें पेंसिल लॉक मिल जाता है देख सकते हो, और स्पेस देखो दोस्तों कितना सारा स्पेस मिल गया, और दो दो मैग्नेट है जिससे हमारा दोस्तों ये पेंसिल बॉक्स का ढक्कन खुलने और बंद करने में हमें ज्यादा परेशानी ना हो दोस्तों। बैक साइड की बात करते हैं दोस्तों, हमें टाइगर की फोटो मिल जाती है और बैंटन की फोटो देखने को मिल जाती है। ढक्कन ओपन करते ही गाइस हमें यहाँ पे मिलता है एक स्टिकर जिसपे गाइस हम क्लास और अपना नाम लिख सकते हैं, एक कंपार्टमेंट मिलता है, और इसके अंदर गाइस हमें टेबल देखने को मिल जाता है काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग यार, तो काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ दोस्तों आपको। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक गाइस पेंसिल बॉक्स, ये ब्लॉक्स वाली पेंसिल बॉक्स है काफी अमेजिंग है, और इसे गाइज मैंने परचेज किया 200 रुपीज का दोस्तों। निकाल के दिखाता हूँ ये कैसी है, और इसके अंदर गाइज हमें मिलते हैं ब्लॉक्स और फिर हम यूज करेंगे ये सारे डिजाइन इस ज्योमेट्री बॉक्स पे। तो ये देखो एक ज्योमेट्री बॉक्स है, और ये देखो दोस्तों हमें एक काफी अमेजिंग सा ब्लॉक्स के लॉक मिल जाते हैं दोस्तों। इसके अंदर गाइज हम अपने ब्लॉक्स डालेंगे, ब्लॉक्स कहाँ मिलेंगे तो ढक्कन ओपन करते ही गाइज इसके अंदर गाइज मिलते हैं हमें ब्लॉक्स, ये देखो दोस्तों। और इन ब्लॉक्स से दोस्तों हम ये सारे डिजाइन बना सकते हैं। टोटल कितने डिजाइन बनेंगे चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7
18 गाइस ब्लॉक्स के डिजाइन बन जाएंगे। इन ब्लॉक्स से दोस्तों काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग। और इसके अंदर गाइस हमें पेंसिल लॉक भी मिल जाता है, स्पेस काफी जबरदस्त है। इसके अंदर 1, 2, 3 कंपार्टमेंट भी मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है इसके ऊपर गाइस हम अपना नाम भी लिख सकते हैं इन ब्लॉक्स के द्वारा। दोस्तों काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग। चलो अब आपको नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक गियर वाली पेंसिल बॉक्स दोस्तों, और ये काफी अमेजिंग है। इसके अंदर गाइस हमें 3 तरह के गियर्स मिलते हैं, आप देख सकते हो 1, 2, 3। पहले निकाल लेता हूँ बॉक्स से और फिर दिखाता हूँ। ये देखो ये 3 गियर मिल गए दोस्तों, एक छोटा, एक मीडियम, एक काफी बड़ा गियर मिल गया। 1-2 सर्कल मिल जाते हैं दोस्तों। इन सर्कल के अंदर इन गाइस गियर को लगाएंगे और फिर इनके पॉइंट के अंदर गाइस पेंसिल या कलर को रख के घुमाएंगे तो कुछ इस तरह के डिजाइन बनेंगे। डिजाइन कैसे मिलेंगे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों डिजाइन कुछ इस तरह के बनेंगे दोस्तों इसके अंदर। ये देखो दोस्तों, चलो निकालता हूँ पर्ची को। ये देखो डिजाइन कुछ इस तरह के बनेंगे, देखो ये सारे डिजाइन बनेंगे और कुछ इस तरह से यूज भी करना। सारे इंस्ट्रक्शन गाइस इसके पीछे दी हुई है। ओ इसके अंदर तो हमें एक व्हाइट बोर्ड भी मिल जाता है यार, काफी अमेजिंग यार, काफी जबरदस्त। और ये देखो इसके ढक्कन को ओपन किया तो ये देखो गाइस इसके अंदर गाइस हमें रूलर भी मिल गया। ये देखो इसके अंदर 20 सेंटीमीटर का रूलर भी मिल गया, काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग यार। और ये देखो दोस्तों हमें इसके अंदर व्हाइट बोर्ड भी मिल जाता है, काफी सुंदर एक व्हाइट बोर्ड मिल गया। और ओपन करते हैं तो ये देखो दोस्तों एक गाइस पेंसिल लॉक मिल गया, स्पेस काफी जबरदस्त है और 3-3 कंपार्टमेंट मिल गए दोस्तों। तो आपको ये गियर वाली ज्योमेट्री बॉक्स ज्यादा अच्छी लगी या फिर ब्लॉक्स वाली ज्योमेट्री बॉक्स ज्यादा अच्छी लगी प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे तो मैं सच बताऊं मुझे गियर वाली ज्योमेट्री बॉक्स बहुत ज्यादा अच्छी लगी दोस्तों। तो चलो साइड रखते हैं और क्या आया गाइस हमारे पास। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर और काफी प्यारा गाइस एक ट्रांसफॉर्मर का गाइस सरप्राइजिंग बॉक्स दोस्तों। और ये सरप्राइजिंग बॉक्स नहीं है, ये सरप्राइजिंग बैग है दोस्तों। और इसके अंदर ना गाइस हमें 6 गाइस मिलते हैं पेंसिल पाउच। वो कैसे, तो ये देखो कुछ इस तरह की गाइस हमें पेंसिल पाउच मिलेगी गाइस। और इसे 300 रुपीज का परचेज किया है, ओपन करके दिखाता हूँ। तो ओपन करते ही ये देखो टेप कितनी जबरदस्त है, कितनी अमेजिंग टेप है। और इसे ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर गाइस हमें देखो 1, 2, 3, 4 मिलती है, 6 नहीं गाइस 4 पेंसिल पाउच मिलती है। और इनके अंदर कुछ ना कुछ चीजें हमें फ्री में मिल जाती हैं। तो सबसे पहले पाउच को ओपन करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले पाउच में गाइस हमें मिल जाती है सीजर। यो हो काफी अच्छी क्वालिटी, ठीक है दोस्तों हमें सीजर मिल गई। और क्या मिलता है, तो इसके अंदर गाइस हमें ग्लू मिल जाता है, ये देखो दोस्तों ग्लू मिल गया दोस्तों। और क्या मिलता है इसके अंदर, एक इसके अंदर गाइस क्रेयॉन्स कलर को गाइस साफ करने के लिए एक शार्पनर दोस्तों, काफी अच्छा सा शार्पनर मिल गया पहले पाउच के अंदर। अब सेकंड पाउच को ओपन करते हैं, सेकंड पाउच में गाइस हमें गाइस ऑयल पेस्टल कलर मिल जाते हैं दोस्तों, काफी जबरदस्त है ना और काफी अमेजिंग है। और तीसरे पाउच को ओपन करते हैं, तीसरे पाउच में गाइस हमें ये देखो स्केच पेन मिल गया, ये देखो जिसके ऊपर ट्रांसफॉर्मर की फोटो छपी है, काफी जबरदस्त। और चौथे पाउच को ओपन करते हैं, चौथे पाउच में गाइस हमें पतले वाले स्केच पेन मिल जाते हैं दोस्तों। ये देखो ये काफी लंबे हैं यार, काफी देखो ओह ये देखो दोस्तों काफी लंबे स्केच पेन मिल जाते हैं और ये देख सकते हो। और सबसे अच्छी बात है गाइस इनके अलावा हम कुछ और भी अपना स्टडी मटेरियल रख सकते हैं दोस्तों, काफी जबरदस्त है। और ऐसा गाइस मैंने पेंसिल पाउच यानी सरप्राइजिंग पाउच कभी भी नहीं देखा, क्या आपने पहले देखा था? अगर देखा तो दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो साइड रखते हैं और नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ दोस्तों आपको। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक छोटा भीम की दोस्तों काफी अमेजिंग और काफी प्यारी सी दोस्तों वॉच। ये देखो दोस्तों छोटा भीम की वॉच है, काफी अमेजिंग है। और इस वॉच को दोस्तों हम किस तरह से यूज करेंगे, सारी इंस्ट्रक्शन ये दी हुई है गाइस। और इस वॉच में इतने सारे डिजाइन भी बन जाएंगे दोस्तों, काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग। चलो ओपन कर देता हूँ और एक आधा डिजाइन बना के देखते हैं। तो ये देखो वॉच निकालता हूँ दोस्तों और ये देखो दोस्तों केवल मैंने 100 रुपीज की परचेज करी। और ये देखो एक रोबोट लुक में बन गया दोस्तों हमारा ये छोटा भीम दोस्तों, काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग। और इसके हाथ पैर सारे रोटेट भी हो जाएंगे दोस्तों, काफी जबरदस्त, काफी सुंदर है गाइस ये वॉच को। और इसे ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद देखो दोस्तों ये ढक्कन को ओपन करेंगे, इसके अंदर गाइस हमें टाइम मिल जाएगा और 2 बटन है, इन दोनों बटन से दोस्तों टाइम सेट करेंगे दोस्तों। और ये देखो उड़ रहा है, ये देखो दोस्तों हमारा छोटा भीम उड़ने लग गया काफी जबरदस्त तरीके से, देख सकते हो। और भी डिजाइन बनाते हैं, ये देखो चलो ये डिजाइन बना लिया, नीचे को रोकेगा देखो, अब नीचे रुकता है तो कैसे रुकेगा, ये देखो है ना काफी काफी अमेजिंग। और जब इसे पहनना हो तो क्या करेंगे, सारी चीजें ठीक कर लेंगे, ऐसे गोल कर लेंगे और फिर हम काफी इजीली से हम अपने हाथ में पहनना चालू कर देंगे। ये देखो दोस्तों इस तरह से लगाएंगे और फिर हम अपने हाथ में पहनेंगे, ये देखो इस तरह करके और फिर पहन लेंगे दोस्तों अपनी इस वॉच को। ये देखो दोस्तों
काफी इजिली से पहन भी लेंगे। मेरे हाथ काफी बड़े हैं दोस्तों, इसलिए वॉच पहन नहीं पा रहा। तो ये देखो दोस्तों, कुछ इस तरह लॉक हो जाएगी दोस्तों, काफी अमेजिंग लग रही है ये तो मेरे हाथ में। आपको कैसी लग रही है वॉच दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस, हमारे पास एक पिंक ब्लैक की दोस्तों डायरी या नोटबुक है। चलो ओपन करते हैं। ये पिंक ब्लैक की दोस्तों गर्ल्स है, अगर आपको इनके नाम पता हो तो दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट में जरूर लिखना दोस्तों। चलो ओपन करते हैं, पन्नी से निकालता हूं और देखते हैं नोटबुक है या डायरी है। चलो ये देखो दोस्तों, ये ब्लैक पिंक की, यो हो काफी अमेजिंग डायरी मिल गई यार, काफी जबरदस्त। और इसके पेजेस की डिजाइन देखो दोस्तों, कितने खूबसूरत है यार, काफी प्यारी दोस्तों पेजेस मिल गए, जिसके अंदर गाइस हमें कई तरह के दिल भी देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। काफी अमेजिंग, काफी जबरदस्त ब्लैक पिंक की डायरी है दोस्तों ये तो। चलो नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट है गाइस, हमारे पास एक बारहवीं की दोस्तों ज्योमेट्री बॉक्स, ये भी काफी सुंदर है, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। और इसमें गाइस हमें गाइस एक और दो होल दिख रहे हैं, और ये होल नहीं है दोस्तों, ये है दोस्तों पेन होल्डर दोस्तों, काफी जबरदस्त है। इसके अंदर गाइस हम अपने पेन को होल्ड करके रख सकते हैं या पेंसिल को होल्ड करके रख सकते हैं। ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते हैं कुछ इस तरह इंटरफेस दिखता है। इसके अंदर गाइस हमें एक दो तीन चार पेंसिल लॉक मिल जाता है, काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। ढक्कन ओपन करते हैं, लॉक ओपन करते हैं, एक ढक्कन मिलता है। और इसके अंदर गाइस हमें एक व्हाइट बोर्ड मिलता है, साथ ही गाइस मार्कर मिलता है, एक पेंसिल मिलती है और एक रूलर मिलता है, एक कंपार्टमेंट मिलता है। और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों काफी अच्छा स्पेस है और स्टडी मटेरियल भी काफी सारा आ जाएगा इस कंपार्टमेंट के अंदर। और ये व्हाइट बोर्ड भी मिल गया, जिसमें दोस्तों हम अपने दोस्तों के साथ टिकटॉक तो भी खेल सकते हैं दोस्तों। बैक साइड की बात करते हैं तो नीचे गाइस हमें एक गाइस शटर मिलता है, शटर को इस तरह ऊपर करेंगे और इस शटर में गाइस हमें मिलता है टाइम टेबल शेड्यूल दोस्तों, काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग दोस्तों। और इसे केवल मैंने 120 रुपीज की परचेज करी है दोस्तों, बारहवीं की ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ दोस्तों आपको। नेक्स्ट है गाइस, हमारे पास यूनिकॉर्न की बस वाली ज्योमेट्री बॉक्स, काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग है। तो फ्रंट में गाइस हमें गाइस दो बटन मिलते हैं, ये देखो एक बटन और दो बटन को दबाया, एक छोटा कंपार्टमेंट एक बड़ा कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है दोस्तों। और यहां देखो पुश लिखा है, इस पुश बटन को दबाएंगे तो इसका बोनेट ओपन हो जाएगा। और इस बोनेट में गाइस हमें एक और दो कंपार्टमेंट मिलते हैं, एक में गाइस हमें शार्पनर देखने को मिल जाता है और एक कंपार्टमेंट काफी अच्छा है जिसमें गाइस हमारी इरेजर या कुछ भी स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। काफी अमेजिंग है, देख सकते हो काफी जबरदस्त लग रही है। ढक्कन ओपन करते गाइस में एक पॉकेट मिलता है जिसमें गाइस क्लास शेड्यूल लिख सकते हैं। और गाइस इसमें हमें काफी बड़ा एक पेंसिल लॉक भी मिल जाता है दोस्तों, काफी अमेजिंग सा पेंसिल लॉक मिल गया दोस्तों। अब बैक साइड की बात करते हैं, बैक साइड के ढक्कन को ओपन करते हैं। तो बैक साइड के ढक्कन को ओपन किया तो बिल्कुल सिंपल सा दोस्तों हमें कंपार्टमेंट मिलता है, जिसके अंदर गाइस हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल भी आ जाएगा दोस्तों। तो चलो साइड रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास, ये दोस्तों एक है गाइस कार वाली पेंसिल शार्पनर दोस्तों, काफी सुंदर है, काफी प्यारी है दोस्तों। इसे निकालता हूँ, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये पेंसिल शार्पनर कैसा लगा दोस्तों। तो चलो निकालता हूँ दोस्तों, और इसे गाइस मैंने 200 रुपीज का परचेज किया है। तो ये देखो दोस्तों, काफी सुंदर है, काफी अमेजिंग है, बिल्कुल लुक ऐसा लग रहा है मिनी कार है। और इसके अंदर गाइस पेंसिल डालेंगे और शीशे को ऊपर करेंगे, फिर पेंसिल को डालेंगे दोस्तों और फिर घुमाएंगे और सारा कूड़ा गाइस इसके के अंदर आ जाएगा, देख सकते हो काफी अमेजिंग। मैंने एक पेंसिल शार्प करी थी इसीलिए गाइस इसका सारा कूड़ा इसी में है, काफी जबरदस्त है। और ये व्हील है दोस्तों, और काफी अच्छा टाइम पास भी कर सकते हैं इस शार्पनर के साथ दोस्तों, काफी अमेजिंग है। चलो साइड रखते हैं दोस्तों का ये कलेक्शन। आज के कलेक्शन में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो साथ, अच्छे से कलेक्शन के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।